हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक विद हेमा में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं उड़द की दाल का करेल बनाना, जिसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और जब हम रोज़ रोज़ की सब्जियां खा करके बोर हो जाते हैं तो कुछ हम अलग तरह का ट्राई करना चाहते हैं। तो आज हम ये कुछ अलग तरह की सब्जी लेकर के आए हैं जो हमारी मम्मी दादी लोग हमारी बनाया करती थी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके लिए हमने उड़द की दाल लिया है, जिसको हमने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था और ये अच्छे से भीग चुकी है। अब इसको हम पीस लेंगे। इसमें डालने के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। तो हमने 2 प्याज काट ली है और 10-12 कलियां लहसुन के लिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं, 10-12 हमने इसमें काली मिर्च लिया है, 3 लौंग लिया है, 1 इलायची ली है और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है। दाल को हमने पीस लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच हींग का डाल दिया है, 1/2 चम्मच जीरा डाला है, 1/2 चम्मच हमने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया है। आप इसमें हरी मिर्च और धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसको फेंट लेते हैं। हाथ से सबसे अच्छे से फेंटता है, इसलिए हम इसको हाथ से ही फेंटेंगे। हाथ से फेंटने पर ये काफ़ी फ्लफी हो जाती है और जो पकौड़ी होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बनी हुई बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए। हमारी फिट चुकी है, अब हम चलते हैं पकौड़ी बनाने की तरफ। इसके लिए हमने एक पैन चढ़ाया है, हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, सैलो फ्राई करेंगे। तो हाथ में हमने थोड़ा सा पानी लगा करके हम छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना देंगे। अगर हम पकौड़ियों को डीप फ्राई करते तो ये ग्रेवी में डालने के बाद से ये गल जाती हैं, बहुत जल्दी से गल जाती हैं। तो इसलिए हमने डीप फ्राई ना करके शैलो फ्राई किया है, जिससे पकौड़ी सॉफ्ट तो होंगी लेकिन ग्रेवी में डालने के बाद ये गलेंगी नहीं। इसमें पकौड़ियों को हमने डाल दिया है। अब 2-3 मिनट तक हम इनको नहीं टच करेंगे, लाल होने देते हैं। तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम हो चुका है, 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया है, 2 तेज़पत्ता डाल दिया है और गरम मसाला को कूट कर डाल दिया है। अब इसमें हमने प्याज लहसुन और अदरक का जो पेस्ट था वो हमने एक ही में पीस लिया है, इसको हम डाल देते हैं। इसको हम डाल दे रहे हैं और कुछ सूखे जो मसाले हैं उनको हम डाल रहे हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया डाल दिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है और इसको हम धीमी आंच पर भुनने देते हैं। इधर हम पकौड़ियाँ भी एक तरफ से लाल हो गई हैं, इनको हम पलट देते हैं। इस तरह से हमारी सब्जी जल्दी से तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ाई है, एक तरफ पकौड़ी बना रहे हैं और एक तरफ हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है। सारी पकौड़ियों को हमने पलट दिया है और मसाला को भी हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाला कुछ भुन चुका है, इसमें हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। कश्मीरी लाल मिर्च डाल देने से सब्जी का जो कलर होता है वो बहुत अच्छा आता है। ये तीखा नहीं होता है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको पकने देते हैं। फ्लेम को हमने धीमा कर दिया है, क्योंकि धीमी फ्लेम पे जब मसाला पकता है तो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही बढ़िया सा पक के तैयार हो जाता है। ये पकौड़ियाँ हो गई हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और जो बाकी की बची पकौड़ियाँ हैं उनको भी हम ऐसे बना लेते हैं। सारी पकौड़ियों को हमने इसमें डाल दिया है, थोड़ी सी दाल बच रही थी इसलिए ज़्यादा सी पकौड़ी इसमें हो गई हैं और हमने 2-3 चम्मच दाल बचा ली है। इसको घोल करके हम ग्रेवी में डालेंगे। तो इसको हम घोल लेते हैं, मसाला भी लगभग पक चुका है। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। गरम मसाला हम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि कुछ मसाला हमने कूट के भी इसमें डाला है। कूटे हुए गरम मसाले का स्वाद बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो पिसा हुआ है वो पूरी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये पकौड़ियों को भी हमने पलट दिया है और ये भी पक चुकी हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। ये सारी पकौड़ियों को हमने निकाल लिया है एक थाली में, मसाला भी भुन चुका है और ये पकौड़ी हम मसाले में डाल देते हैं और 2-3 मिनट तक हम इनको अच्छे से इसमें भून लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे मसाले वाली
पकौड़ियों को चाय के साथ में आप नाश्ते के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ऐसे सूखी खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये दाल का जो घोल बनाया था वो घोल हमने इसी सब्जी में डाल दिया है। थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं, क्योंकि जो पकौड़ी है वो अभी इसको पानी को सोख लेंगी। अब इसको धीमी फ्लेम पर हम कम से कम 7-8 मिनट तक इसको पकने देते हैं। 7-8 मिनट हो चुके हैं और ये सब्जी हमारी बन करके एकदम तैयार हो गई है। और देखिए ग्रेवी भी इसकी गाढ़ी हो गई है। अभी रखने के बाद ग्रेवी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी और फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए कितनी जल्दी से बन करके ये सब्जी तैयार हो गई है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।